नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और मैं अब शिमला आ गया हूँ, मुझे शिमला से अभी जाना है जुनगा। वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड का ग्राउंड टेस्ट है, उसको मैं आपको थोड़ी सी हल्कियाँ दिखाऊंगा। शिमला की भी आपको हल्की हल्की झलकियाँ दिखाऊंगा कि आपको जो शिमला है, पहाड़ों की रानी है, वो आपको कैसी नजर आती है। और मुझे जाना है जुनगा के लिए, तो मैं आपको जुनगा की भर्ती दिखाऊंगा कि वहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की किस प्रकार की जो भर्ती है वो होनी है। फर्स्ट गार्ड की ग्राउंड टेस्ट वहाँ पे चल रहा है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो मैं अभी अपने रूम में हूँ शिमला में, तो आपको मैं शिमला की हल्की हल्की झलकियाँ दिखाता हूँ। शिमला के इन सुंदर वादियों में आप देख सकते हैं जो आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये इंदर नगर ढली से आपको दिखा रहा हूँ। आपको इसमें आपको भट्टा कुफर और सिमेट्री आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो शिमला की हसीन वादियाँ हैं, अभी देख सकते हैं यहाँ पर हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। तो इसके बाद मुझे जाना है आपके जुनगा, तो वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कि किस प्रकार से वहाँ पर ग्राउंड टेस्ट हो रहा है। अब मैं जो आपको सुंदर दृश्य दिखा रहा हूँ, ये है सेकेंडरी स्कूल जुनगा का ग्राउंड, और यहाँ पर चली है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती। तो इसमें अभी गर्ल्स की 800 मीटर की रेस चल रही है, अभी हमारी भर्ती स्टार्ट नहीं हुई है, मेरी जो भर्ती है वो अभी नहीं हो रही है। तो इसमें गर्ल्स को 800 मीटर की रेस है, ये 4:15 में पूरी करनी है। गर्ल्स इसमें दौड़ लगा रही है, छः छः लड़कियां दौड़ाई जा रही है, और इनको इसमें 4 राउंड लगाने हैं। 200 का ट्रैक लगा हुआ है, और यहां पर आप देख सकते हैं बॉयज़ का जो है 100 मीटर चल रहा है। 100 मीटर आपको 14 सेकंड में पास करना होता है, गर्ल्स का जो 100 मीटर है वो आपको 17 सेकंड में पास करना पड़ता है। और इस प्रकार की अलग अलग आपको एक्टिविटी मैं यहाँ पर दिखाते रहूँगा। और जो ये एक्टिविटी चल रही है, ये है आपकी हाई जंप की, यहाँ पर बॉयज़ जो है हाई जंप दे रहे हैं। ये देखिए लड़का जो है गिर गया है, और अब लड़की की हाई जो है पाइप गिरा दी है। लड़कियों का जो हाई जंप होता है ये 3 फुट होता है, और लड़कों का 4 फुट 2 इंच होता है। दोस्तों बहुत ही आनंद आया यहाँ पे जो आपका ग्राउंड है। मेरी जो भर्ती है वो अब बता रहे हैं कि कल होने वाली है, तो अब मुझे कल भी भर्ती के लिए आना पड़ेगा। और इस लड़की ने भी यहाँ पे पाइप गिरा दी है, हाई जंप यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। सारी लड़कियाँ जो है बारी बारी से उनका जो चेस्ट नंबर है उसके हिसाब से मिला रही है, क्योंकि उस लड़की ने क्लियर क्वालिफाई कर दिया। अगली लड़की अब जा रही है, देखते हैं क्वालिफाई कर पाती है नहीं। भाई इसने भी पाइप गिरा दी है, ये भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। एक लड़की और, इसने भी क्वालिफाई नहीं किया। और अभी यहाँ पे एक और रेस हो रही है 800 मीटर लड़की की, तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसमें एक लड़की है, आप देख सकते हैं जो सबसे आगे भाग रही है। इस लड़की लड़की की जो टाइमिंग होती है वो होती है 4:15, 800 मीटर का ट्रैक पूरा करना पड़ता है, लेकिन इस लड़की ने 2:46 में ही अपना जो है इस टाइम सब यही सोच रहे कि रुक जाएगी। 200 मीटर का ट्रैक है, 800 मीटर की रेस जो है जो इसने पूरी की है 2:46 में। आप देख सकते हैं इस लड़की का नाम है तनुजा। तो ये हमारे चौपाल की ही रहने वाली है, इस लड़की ने रिकॉर्ड बनाया है। 4:15 की बजाय इसने सिर्फ 2:46 में अपनी जो है रेस पूरी की है। देखो इसमें इसने कितना गैप बना दिया है। और इसका जो अदर लड़कियां हैं वो 3 राउंड पूरा करती है, और इसका जो है 4th राउंड भी पूरा हो जाता है। ये लड़की बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है, सोलन में रहती है और चौपाल की रहने वाली है। इसका नाम है तनुजा, तनुजा बेगटा। उसका भी 1 राउंड भी पूरा हुआ है, उसने 2 राउंड भी दौड़ रहे हैं। कितना गैप बना है पिछली दूसरी लड़की इसके पीछे, बहुत स्लो सुस्त हो गया। देखो यहाँ पे इसका लास्ट राउंड स्टार्ट है, और जो ये लड़कियाँ हैं इनका भी 3रा राउंड पूरा हुआ है,
और इसका लास्ट राउंड है, अब आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे ये जो लास्ट लड़की होती है उसको लड़की को ओवरटेक कर दिया है, लड़की को ओवरटेक किया है। और तनुजा का लास्ट राउंड है और इसका जो है अभी तीसरा राउंड है, इसने अपना चौथा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। देखो बहुत ही अच्छी एथलीट है ये। बॉयज का 800 मीटर है, बॉयज का 800 मीटर भी इसमें जो बॉयज की टाइमिंग होती है वो होती है 2:45 है, इनका भी 800 मीटर का ट्रैक होता है। तो तनुजा ने 2:46 में किया था मैक्सिमम, काफ़ी मान के चलो कि बॉयज के जो टाइमिंग होती है उसमें इसने पूरा किया है। और कुछ बॉयज तो जो है उसको 2:45 में भी पूरा नहीं कर सकते। कितना बार दौड़ रहा है भाई लोगों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, पहाड़वासी पहाड़ से मैं आपको लाते रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों दूसरे दिन मुझे आना था भर्ती के लिए, तो आप यहां देख सकते हैं पूरा जो ग्राउंड है वो पानी से भरा हुआ है। मेरी भर्ती 22 को होनी थी, 23 को बुलाया गया था, 23 को पूरे दिन देखो बारिश हो रही है, इतनी झमाझम बारिश हो रही है, ग्राउंड तो पूरा जो है आप देख सकते हैं क्यारी की तरह भरा हुआ है। तो अब मेरी भर्ती होनी है 24 तारीख को, मैं आपको अपनी वीडियो भी दिखाऊंगा जब मेरी रेस हुई थी 800 मीटर की, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज तो पूरी बारिश हो रही है बिल्कुल, जब मैं ग्राउंड में चल रहा था तो पूरा ग्राउंड में पानी पानी भरा हुआ था। तो फिर अनाउंसमेंट हुई थी कि आपकी जो भर्ती है वो 24 तारीख को होगी। अब देखो भाई हमारा 800 मीटर की रेस शुरू हो गई है, मैं सबसे लास्ट में हूँ अभी, लेकिन जब हमारा लास्ट राउंड आया था मैं फिर थर्ड नंबर पे, अब थर्ड पोजीशन पे आ गया था। अभी जो शुरू के 3 राउंड थे, शुरू के 3 राउंड में मैं सबसे लास्ट में था, अभी भी आपको दिख रहा होगा सबसे लास्ट में मैं ही हूँ, क्योंकि मैं आराम से दौड़ रहा था, अगर फास्ट दौड़ता तो थक जाते हैं। ये देख लो सबसे लास्ट में दौड़ रहा हूँ लंबे लंबे कदमों से। जब चौथा राउंड स्टार्ट होता है ना फिर मैं अपनी स्पीड चखता हूँ, फिर मैं बंदे भी पीछे रख लेता हूँ और फिर अपना जो है थर्ड पोजीशन आती है। ऑफिशियल लाइनमैन प्लीज लाइन जरूर चेक करें, लाइन चेक करें सभी ऑफिशियल। अभी देख लेना, अभी मैं लास्ट में हूँ, सेकंड राउंड खत्म होने वाला है, फिर भी मैं अपनी लास्ट पोजीशन में। यहाँ पे अब मैं बंदियाँ काटना शुरू कर देता हूँ, आगे बढ़ना शुरू कर देता हूँ। नंबर है आप सभी थर्मल स्कैनिंग के लिए आ जाएं। दो राउंड रह चुके हैं, बी फास्ट अब देखिए दूसरा राउंड भी खत्म होने वाला है और मैं काफी आगे निकल गया हूँ, कम से कम 3 बंदे मैंने पीछे रख लिए, अब मैं आगे निकलना शुरू करता हूँ धीरे धीरे। अब तीसरा राउंड स्टार्ट हो गया, हेलो लास्ट राउंड 30 सेकंड शेष है, बी फास्ट भाई लोगों लास्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही बंदे इतना थक गया था जो अपनी टांगे चलाने मेरी बंद हो गई थी टांगे चलने, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं दौड़ता रहा, फिर मेरी तीसरी पोजीशन, अभी मैं चौथे नंबर पर, फिर मैं तीसरी पोजीशन में आ गया था और बड़ी मुश्किल से अपना ग्राउंड क्लियर किया। पहली बार हुआ जो मैंने बिना प्रैक्टिस अपना जो ये फॉरेस्ट गार्ड का ग्राउंड निकाला। तो यहाँ पे